गुड इवनिंग सर, आपको यूनिस पर अवार्ड में स्वागत है आपका, और हम चाहते हैं कि आप बाकी लोगों को अपनी कुछ बातों से मोटिवेट कीजिए कि ये अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखते हैं, और आप आज यहाँ पे चीफ गेस्ट जैसे आए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग लोगों को आगे? सबसे पहले तो मैं यूनिस्क्वेयर कॉन्सेप्ट के जो फाउंडर हैं उदय संतालिया जी, उनको और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल और बड़ा प्रीशियस अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, और आज अवार्ड के अंदर काफ़ी अच्छे लोग जो समाज के प्रति समर्पित हैं उन सबको फैसिलिटेट किया जाएगा, और इस अच्छे कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ उदय जी का। और इस अवार्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि उदय जी का ये जो सोच है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज के प्रति समर्पित हैं या जिन्होंने साधारण जीवन में रहते हुए कुछ आउटस्टैंडिंग काम किया, वो एक समाज में मिसाल बन चुके हैं, तो उन लोगों का हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग समाज पर अच्छे स्टेज पर सामने आएंगे तो बहुत सारे लोगों में जोश जलेगी, उनमें भी उमंग आएगी, उनमें भी कार्य करने का दृढ़ निश्चय आएगा, तो समाज की अच्छी भलाई होगी। बाकी हाँ, यूथ को तो मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे कंट्री के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा है और अच्छा समाज है, परिवार अच्छे हैं, तो सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपना जीवन पर्यावरण, जीव जंतुओं और मानव कल्याण की सेवा में समर्पित करें। और ऐसे लोग जो सड़कों में कूड़ा खाते हैं, बिना कपड़ों के घूमते हैं, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक हैजर्ड्स, पॉवर्टी, क्राइम, हंगर, वाटर क्राइसिस, जंगलों का कट जाना, गौ माता की दुर्दशा, हम सब पढ़े लिखे लोगों को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई थी, जैसे आज की जो यूथ है वो सब शिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं थी कि सब अपने लिए जिए, अपने लिए तो जानवर भी जीता है। तो एक ऐसी बात मन में कड़वी सच्चाई दिमाग में रखते हुए हम सबको अपना जीवन सेवा में समर्पित करना चाहिए, और अगर कोई काम नहीं करे तो मैं यूथ से तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम गलती मानना सीख लो कि कोई सड़क पे बेचारा अबैंडन घूम रहा है या डिप्राइव फीमेल है, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम भगवान की तरफ देख कर यही बोल दो कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया लेकिन हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, हम माफ़ी चाहते हैं, जब एक दिन आपके पास आएंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, वी आर सॉरी, वी आर फेलियर्स, वी डिड नथिंग फॉर यू। सो आई बिलीव ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि समाज को अच्छा बनाएं और अपनी कंट्री वेलफेयर और मदद के लिए अच्छे कार्य करें। तो एक बार दोबारा से उदय संतालिया जी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन यूनी स्क्वेयर कॉन्सेप्ट को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बेस्ट विशेज देता हूँ कि आपने बहुत मीनिंगफुल अवार्ड का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और हम सबको यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। थैंक यू।